हाय एवरीवन, मेघा भारिया दिस साइड एंड आज मैं बात करने वाली हूँ लेसन्स आई लर्न व्हेन आई स्टार्ट माय जिमिंग जर्नी. सो जब मैंने जिमिंग नहीं स्टार्ट करी थी आई यूज्ड टू बी वेरी स्केयर ऑफ इट, बट नाउ आई हैव लर्न सो मच. एंड जब आप जिमिंग करते हो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू इंप्रूव योर बॉडी, बट देयर आर फ्यू लेसन्स व्हिच आई हैव लर्न व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय यू इन योर डेली लाइफ टू. सो फर्स्ट लेसन दैट आई लर्न इज व्हेन यू वर्क ऑन योर बॉडी यू जस्ट डोंट स्ट्रेच योर बॉडी बट यू स्ट्रेच योर माइंड ऑल्सो. लाइक अगर आप 15 रेप्स कर रहे हो, 3 रेप कर रहे हो, या 15 बार ही स्ट्रेचिंग कर रहे हो, या 15 बार ही साइड्स कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप उसे 20 बारी कर पाओगे, नेक्स्ट टाइम आप 25 बारी कर पाओगे, यू विल रियलाइज कि आपका स्टैमिना इंक्रीज होता जा रहा है. इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी एक्सरसाइज वो बहुत टफ होती है. लाइक जब मैंने एप्स करना स्टार्ट करा था इट वॉज द टफेस्ट, बट आज मैं जब स्ट्रेचिंग करती हूँ तो मैं बहुत सारे रेप्स कर पाती हूँ. एंड आई रियलाइज कि जैसे कि जिससे आप जिमिंग करते हो सिर्फ आपकी बॉडी स्ट्रेच नहीं होती बट इट ऑल्सो टेल्स योर माइंड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन ऑलवेज स्ट्रेच योर सेल्फ. अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है तो आपको अभी डिफिकल्ट लग रहा है, बट वंस यू स्ट्रेच योर सेल्फ यू लाइक यू हैव टू डू इट, नो मैटर वेदर द पेन इज कमिंग, योर एब्स इज गोना पेन, योर हैंड्स आर गोना पेन, एंड देयर विल बी बॉडी एक्स, बट यू स्टिल हैव टू गो ऑन. सो दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम जिमिंग. सेकंड लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम जिमिंग इज यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज ऑल योर एनर्जी जिम करते हुए. आई नो हमारे अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज भी होती है, लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैड अबाउट समथिंग, वाई नॉट यूटिलाइज इट as part of gymming. Like when you're picking up the weights, just use all your energy on your body to make it perfect. Third thing that gymming ne mujhe sikhaya, to be consistent. I remember main bahut bari jab pain hota tha, I used to tell my instructor, bhai main nahi aa sakti because it is so painful, meri puri body ache rahi hai. And my instructor told me, no, even if the pain is there, you still have to do gymming. And once you realize jab gymming kar rahe ho aur aapko pain bhi ho raha hai, the pain will vanish, it will go away. So you have to be consistent. I remember जब मैं आज सुबह उठ रही थी एंड मेरे मन में थॉट थी कि मेघा मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बट इट शुड नॉट बी लाइक अ डिजायर आज जाना है कि नहीं जाना, बट इट शुड बी अ डिसिप्लिन. एंड दैट इज वॉट जिमिंग हैज टॉट मी कि नो मैटर वॉट, वेदर देर इज पेन, वेदर देर इज हर्ट, वेदर योर इंटायर बॉडी इज पेनिंग, यू शुड नॉट गिव अप. एंड सिमिलरली इट गोज इन लाइफ, नो मैटर आपकी लाइफ में कितना बड़ा चैलेंज आया है, कितनी बड़े हर्डल्स आए हैं, इट्स पेनिंग, इट्स स्ट्रेसफुल, इट्स एंड यू आर अंडर प्रेशर, यू कांट गिव अप. अगर आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन होगा जो मैंने अपनी लाइफ में एस्टेब्लिश करा है अर्ली मॉर्निंग जिम जाते हुए, यू कैन ऑल्सो डू दैट एंड यू रियलाइज यू विल सी द चेंज. जस्ट लाइक लाइफ में चेंज 2 सेकंड में नहीं आ जाता है, 2 डेज में नहीं आ जाता, 2 मिनट्स में नहीं आ जाता, ये मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन दैट, आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन माई लाइफ. की जो भी चेंज होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर जिमिंग भी देखे, आई वॉज ट्राइंग टू रिड्यूस माई बेली फैट, आई हैव रिड्यूस्ड इट एक्सपोनेंशियली विद इन लास्ट 2 मंथ्स, बट वो फर्स्ट डे पे नहीं आ गया था. I had this goal to do it and abhi bhi mera goal hai ki I want to make abs, like a little bit of abs. I'll be sharing my journey over here. So it's gonna not come in one day, but you have to be very patient, and that's another lesson that I learned from gymming, ki patience lose nahi karni, and we'll start seeing the results. Like I can see a little bit result ki मेरा टमी फ्लैट हो रहा है, बट एक्सपोनेंशियली रिजल्ट्स जो एकदम मेजर रिजल्ट्स आते हैं वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने कई बार 1-1 साल जिम करने के बाद आते हैं. सिमिलरली इन योर लाइफ आपको लिटिल लिटिल स्टेप्स में जब आप अपनी गोल की तरफ जा रहे हो आपको थोड़े थोड़े विंस दिखेंगे, बट यू शुड एंजॉय द लिटिल विंस ऑल्सो, बट मेजर गोल को अचीव करने में हमेशा टाइम लगता है, सो यू शुड एंजॉय द प्रोसेस ऑल्सो. आई एम श्योर इसके अलावा भी मुझे जिमिंग ने बहुत सारी चीजें सिखाई है. आई थिंक मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया था कि आई वॉज जिमिंग एंड माई फ्रेंड वॉज जस्ट ऑन द डिफरेंट ट्रेडमिल एंड आई वॉज रनिंग एट माई ओन स्पीड एंड शी टोल्ड मी लाइक इंक्रीज योर स्पीड ना यार, वाई आर यू रनिंग एट जस्ट 4 और देयर वॉज अ स्पीड मीटर समथिंग लाइक दैट. एंड आई टोल्ड हर नो, इट्स आई एम फाइन विद माई स्पीड. इन योर लाइफ यू डोंट हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ योर फ्रेंड और योर फेलो मेट और योर फेलो कलीग, यू कैन गो एट योर ओन पेस, यू कैन गो एट योर ओन स्पीड टू अचीव एनीथिंग दैट यू वॉन्ट इन योर लाइफ. जो डेडलाइंस है, जो टाइम लाइन्स है, वो हमें आस पास के लोग बता रहे हैं, बट आप अपनी टाइम लाइन खुद सेट कर सकते हो. लेट मी नो व्हाट इज दैट लेसन दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर जिमिंग लाइफ. आई एम श्योर आप सबने बहुत सारे लेसन सीखे होंगे. मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो लेट मी नो ऑन व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो. टेक केयर एंड कीप लविंग योरसेल्फ.